अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेकर आई हूँ चिकन की बहुत ही स्पेशल रेसिपी। बहुत ही यूनिक है और डिफरेंट भी है, और उसका जायका उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। तो चलिए देख लेते हैं इसे किस तरह बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ तैयार कर रही हूँ चिकन मैरिनेशन के लिए। इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो चिकन बोनलेस लिया है, और इसमें शामिल कर रही हूँ फिटा हुआ 100 ग्राम दही का, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ 1 टीस्पून, नमक आप स्वाद सेहत के हिसाब से लीजिएगा, और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर में डाल रही हूँ 1 टीस्पून, और यहाँ 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी का डाल रही हूँ। इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा खुल के आएगा। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, और कम से कम 15 मिनट के लिए ज़रूर मैरिनेट करें। अब आप एक मसाला मिक्स तैयार कर लीजिए, जो कि हमारे स्पेशल जहाँपनाह चिकन में पड़ने वाला है। तो उसके लिए मैंने दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया है, सौंफ ले ली है मैंने 2 टीस्पून, और साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ ज़ीरा 1 टीस्पून, हरी इलायची मैंने 8 से 9 ले ली है, जिससे इसका जायका और भी बढ़ जाएगा, धनिया पाउडर मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून। अब इसे अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट धीमी आंच पर रोस्ट कीजिएगा, और अगर आपको लग रहा है कि आपका जल जाएगा रोस्ट करते टाइम मसाला, तो इसमें 1/2 टीस्पून नमक का डाल दीजिए। इससे जो इसकी हीट है ना, वो मेंटेन हो जाती है। अब इसे अच्छी तरह से जार में डाल लीजिए, ये ठंडा हो गया है, और इसका एक पाउडर तैयार कर लीजिए। अब इसी पाउडर में हम लोग जो है एक मीडियम कटी हुई प्याज डालेंगे, 5 से 6 हरी मिर्ची डालेंगे। मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करने के लिए 2 चम्मच जो है पानी का डाल के इसे अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए इसमें, और इसे आप साइड में रख लीजिए। और अब जार को आधे कप पानी से धोकर भी इसे इसी में डाल दीजिए। चिकन को जो एक रिच फ्लेवर देने के लिए ना, काजू ले लिया है मैंने, और उसी में 2 टेबलस्पून दूध का डालकर इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लिया है। ठीक है, अब हम तैयारी करते हैं अपने चिकन की भुनाई की। ठीक है, तो यहाँ मैंने 3 बड़े चम्मच 3 टेबलस्पून तेल का लिया है, और उसमें शामिल कर रही हूँ 2 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई। इसे अच्छी तरह से जो है ना मीडियम आंच पर गुलाबी होने तक फ्राई कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, तो हम इसमें शामिल करेंगे हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन। चिकन बस उतना ही मैरिनेट हुआ है ना, जितना मैंने ये मसाले तैयार किए थे, बस उतना ही मैरिनेट कर लिए, बहुत है। अब इसे 5 से 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भूनेंगे, ताकि चिकन का जो जूसीनेस है वो बरकरार रहे। ना भूनिए कि इसका जो पानी है वो पूरा खुश्क हो जाए और सिर्फ तेल बाकी रखे। तो उसमें शामिल कीजिए जो हमने पहले स्पाइस मिक्स तैयार किया था ना वो, और उसके बाद इसे भी अच्छी तरह से मिला लीजिए, और फिर भूनिए। गैस को धीमी आँच पर रख के ढक्कन कवर करके बना लीजिए। बीच बीच में चलाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये देखिए, अब इसका तेल जो है अच्छी तरह से निकल चुका है, सिर्फ तेल बचा है। ठीक है, अब इस स्टेज पर हमने जो काजू का पेस्ट बना के रखा था वो डालेंगे, और साथ ही में 4 बड़े चम्मच जो है ना फ्रेश क्रीम के फेंट कर डालेंगे। ठीक है, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा इसे भी, और धीमी आंच पर जो है इसे पका लीजिएगा। जब इसका तेल जो है निकल जाए, तो समझ लीजिए कि आपकी रेसिपी हो गई है तैयार। और इसमें डाल दीजिए हरा धनिया, और तैयार हो गया है ये सर्व करने के लिए। तो वेट किस बात का कर रहे हैं, फटाफट से जाइए और रेसिपी ट्राई कीजिए, और कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिए। रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने अपनों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ ट्राई कर सकें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद रहे कि मैं रोज़ाना एक नई रेसिपी लाती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि हर रोज़ आपको एक नई रेसिपी सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं फिर कल एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।